रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज झटपट हम नाश्ता बनाने सीखेंगे। झटपट नाश्ता बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों हमें सामग्री चाहिए, हमने ये 240 ग्राम मैदा लिया है, ये 120 ग्राम सूजी, एक कप दही 120 ग्राम के अंदाज से लिया है, और दो बड़े कच्चे आलू लिए हैं। और मसाले में हमने एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी, हरी मिर्च कटी हुई ली है, नमक स्वाद अनुसार, तेल लिया है, अदरक लिया है और राई लिया है और कड़ी पत्ता और बेकिंग पाउडर लिया है। तो चलिए दोस्तों फिर हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों एक कच्चा आलू हमने लिया है, इसे हम कद्दूकस पे बारीक वाले पे घिस लेंगे। चलिए दोस्तों हम आलू को इस पे घिस लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने आलू को घिस लिया है। ये देखिए अब इसमें हम डालेंगे मैदा, सूजी, अब डालेंगे हम एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, ये हमने अदरक घिस के लिया है वो डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे हाफ चम्मच, हरा मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, और तेल डालेंगे दो चम्मच। अब इनको हम मिला लेंगे। अब हम डालते हैं इसमें दही। ये देखिए जो मैंने फ्रेश दही ले रखा है वो है, ज्यादा खट्टा नहीं है, और इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। और पानी की जरूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, क्योंकि सूजी थोड़ा पानी सूखता है और मैदे में भी थोड़ा पानी लगता है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाना है, गाढ़ा ही पेस्ट बनाना है। ये देखिए आप अपने हिसाब से ही पानी डालें। हमने एक कटोरी पानी डाला, अभी थोड़ा और पानी लगेगा, इसको अच्छे से फेंटेंगे हम। दोस्तों इसे हम मैदी सूजी का चीला भी बोल सकते हैं, या आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। हमने तो बस ऐसे ही फटाफट नाश्ता बनाने के लिए एक रेसिपी बना दिया। देखिए अब ये हमारा बन चुका है, इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि जो सूजी है हमारी थोड़ा सा फूल जाए। तो देखिए दोस्तों हमारा बैटर हमने ढक के रखा था 10 मिनट के लिए, अब देखिए अच्छे से फूल गया है। इसमें हम हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसको मिला लेंगे। तो चलिए फिर फटाफट गरम गरम नाश्ता बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने एक पैन लिया है, तवा है, इसको डोसा तवा बोल सकते हैं। इसमें मैं एक चम्मच तेल डालूंगी और इसको हम चारों तरफ फैला लेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें राई डालेंगे और थोड़ा सा दो चार जीरा, इसको इसी पे हम चटकने देंगे, और थोड़ा सा हम कड़ी पत्ता डालेंगे। तो देखिए ये चटक चुका है, अब इसे हम बैटर को रखते हैं। ज्यादा फैलाएंगे नहीं, अब इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, फिर उसके बाद हम इसे देखेंगे। तो देखिए हम इसे 5 से 10 मिनट तक ऐसे ढक के एकदम मीडियम सीम आंच पे पकाएंगे। देखिए दोस्तों देखते हैं पलट के कि हमारा कैसा बना है। ये देखिए, ये देखिए पलटने लायक हो गया है, अब इसे हम पलट देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है,
इस तरह से हम पीछे का साइड भी ऐसे ही पका लेंगे। अगर आपको इसे भी डार्क करना है आप इसे और छोड़ सकते हैं। हमने करीबन 4 से 5 मिनट तक छोड़ा है। तो देखिए दोस्तों अब इसे हम देखिए, ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। इसी तरह हम सभी को पका लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। आप इसे चटनी के साथ खाइए, लाल चटनी, ग्रीन चटनी या सब्जी के साथ, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। और देख सकते हैं ये देखिए कितने अच्छे से पक गया। मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा पक गया है अंदर से भी, और देखिए फूला फूला हो गया है। देखिए दोस्तों हमने सर्व कर दिया है चटनी के साथ। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं नए नए रेसिपी ले आते रहूं, आपको बताती रहूं क्या बनाना है, कैसे बनाना है। धन्यवाद।